हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पिगमेंटेशन, यानी कि जो दाग धब्बे जो चेहरे पे हो जाते हैं वो एक्ने की वजह से शायद हो जाएं या फिर किसी और कारण से आपकी जो स्किन है वो डार्क हो जाए। इस वीडियो में मैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और कुछ क्रीम्स डिस्कस करूँगी जो आपको पिगमेंटेशन में हेल्प कर सकते हैं। एक बात जो आपको ध्यान में देनी होगी वो ये है कि इवन तो मैं बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स और बहुत सारे ऑप्शंस डिस्कस कर रही हूँ, आपको सब कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से एक या दो ऑप्शन अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका पिगमेंटेशन जो है वो ठीक हो सकता है। ओके, जो फर्स्ट ऑप्शन है स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको एक्ने है और वो ऑलरेडी एक्ने के ट्रीटमेंट पे हैं, तो अगर आपको आपका डॉक्टर आइसोट्रेटिनोइन की टैबलेट्स दे रहा है तो वो आपका पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन, अनइवन स्किन टोन, आपके रिंकल्स, जो भी इश्यूज़ हैं आपके स्किन के ऊपर, ऑलमोस्ट सारे इश्यूज़ को ठीक कर देगा। तो आपको पिगमेंटेशन के लिए अलग से दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आइसोट्रेटिनोइन के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो मैं अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आप आइसोट्रेटिनोइन पे नहीं हैं और अगर आपको आपका जो डर्मेटोलॉजिस्ट है कोई टॉपिकल क्रीम लगाने के लिए दे रहा है, यानी स्किन के ऊपर जो लगाते हैं जैसे कि ट्रेटिनोइन क्रीम या फिर अडेपिलिन या फिर बेंजोल परोक्साइड, अगर आप अडेपिलिन यूज़ कर रहे हैं तो भी आपका पिगमेंटेशन कम हो जाएगा। तीसरा जो इंग्रेडिएंट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है कम करने के लिए पिगमेंटेशन, वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो है एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो वो हमारी स्किन को डल डार्क होने से रोकता है। तो आजकल मार्केट में कई ऑप्शंस हैं। मुझे जो विटामिन सी मेरे डॉक्टर ने बहुत सालों पहले रेकमेंड किया था वो था VC15। वो है 20% विटामिन सी, काफ़ी स्ट्रांग है, आप उसको रात को ही लगा सकते हैं। अगर आपको 20% विटामिन सी से सेंसिटिविटी हो सकती है तो आपके लिए अच्छा ऑप्शन रहेगा 10% विटामिन सी। आजकल मिनिमलिस्ट ब्रांड जो है उसका जो विटामिन सी है, मैंने उसके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ पढ़े हैं, मैंने खुद तो यूज़ नहीं किया है, पर वो आपको डिसेंट प्राइस पॉइंट पे एक डिसेंट सा विटामिन सी मिल रहा है, तो आप उसको रात को यूज़ कर सकते हैं। मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे, जब मैं आइसोट्रेटिनोइन पे थी तो मैं जब आइसोट्रेटिनोइन का टैबलेट लेती थी तो वो कहते थे कि मुझे सुबह में विटामिन सी लगाने के लिए। अब सुबह में विटामिन सी जो है सन की रेस से बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सनस्क्रीन पहने। वैसे भी अगर आप कोई भी एक्ने ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आपको सनस्क्रीन लगानी ही होगी, तो सनस्क्रीन के नीचे आप विटामिन सी लगा सकते हैं। जो चौथा ऑप्शन है वो है नाइसिनामाइड। नाइसिनामाइड जो है एक विटामिन बी का फॉर्म होता है जो बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स पे स्किन के ऊपर काम करता है, लेकिन नाइसिनामाइड के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये भी काफ़ी इरिटेटिंग हो सकता है। मैंने ऑर्डिनरी का 10% नाइसिनामाइड यूज़ किया था जो मेरी स्किन को काफ़ी इरिटेट किया, इनफैक्ट मेरी स्किन ब्रेकआउट होने लग गई थी उसको यूज़ करने के बाद। तो ज़रूरी है कि आप लो कॉन्सेंट्रेशंस पे नाइसिनामाइड को यूज़ करें, और जो नाइसिनामाइड आप यूज़ कर सकते हैं वो भी मिनिमलिस्ट का है, आई थिंक उनके पास भी एक 5% नाइसिनामाइड का ऑप्शन है, तो आप उसको ट्राई करके देख सकते हैं कि आपके लिए कैसे काम कर रहा है। ये भी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है तो मैं रिकमेंड करूँगी कि ये भी आप रात को लगाएं। फिफ्थ ऑप्शन जो है वो है अल्फ़ा आर्बुटिन। अल्फ़ा आर्बुटिन जो है वो एक हाइड्रोक्विनोन का स्टेबल फॉर्म है। हाइड्रोक्विनोन जो है वो पिगमेंटेशन के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है, पर उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो स्किन को इरिटेट कर देता है, उससे हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकता है। तो अल्फ़ा आर्बुटिन उसका स्टेबल फॉर्म है जो 2% पे अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका पिगमेंटेशन कम हो सकता है। इंडिया में अभी मुझे लगता है मिनिमलिस्ट ही एक ब्रांड है जो अल्फ़ा आर्बुटिन एक्चुअली बना रहा है सीरम, एज अ सीरम, तो उनके पास जो 2% सीरम है आप वो ट्राई कर सकते हैं। ये सीरम भी आप रात को लगा सकते हैं। इसके साथ ही जो फाइनल ऑप्शन मैं कहूँगी पिगमेंटेशन कम करने के लिए वो है एक्सफोलिएंट्स। अब एक्सफोलिएंट्स जैसे कि केमिकल एक्सफोलिएंट्स जैसे कि AHA, BHA, अब जो AHA है जैसे कि ग्लाइकोलिक एसिड या लैक्टिक एसिड, ये स्किन को इरिटेट भी कर सकता है, तो AHAs को यूज़ करना थोड़ा ट्रिकी है, स्पेशली अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है। तो इस केस में आप BHA जैसे कि सैल्सिलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं और वो आपकी स्किन पे उतना रिएक्ट नहीं करेगा। डी मिलान जो क्रीम है वो उसमें कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड 10% और आर्बुटिन, ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर उस क्रीम को आप यूज़ करते हैं तो वो आपका पिगमेंटेशन कम कर सकता है, लेकिन क्योंकि उसमें ग्लाइकोलिक एसिड 10% है तो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। आप उसको मॉइस्चराइज़र के साथ ही यूज़ करें ताकि वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाए और स्किन को उतना ज़्यादा इरिटेट ना करे। पिगमेंटेशन ही ख़त्म करना है तो उसके लिए आप रात को जो है विटामिन सी, फिर नाइसिनामाइड, फिर अल्फ़ा आर्बुटिन और फिर मॉइस्चराइज़र लगा के लास्ट स्टेप में सो सकते हैं। तो
आपका पिगमेंटेशन जो है वो कम हो जाएगा। अगर आपको इतने इंग्रेडिएंट्स लेयर नहीं करने हैं तो वो जो डीमेलान जो क्रीम है वो आप रात को लगा सकते हैं। आपका एक बार जब प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो आपको इसमें से ये जो एक्टिव्स हैं इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपका प्रॉब्लम ठीक होता है इनकी फ्रिक्वेंसी यानी इनको कम लगाना शुरू कर दीजिए और फिर फाइनली स्टॉप कर दीजिए। एक बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि आपके मॉइस्चराइज़र में भी कोई ऐसा एक्टिव नहीं होना चाहिए जो इन इंग्रेडिएंट्स के साथ रिएक्ट करके आपकी स्किन प्रॉब्लम को और भी बढ़ा दे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, क्योंकि उससे जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है उसको मदद मिलती है। और मैं आपसे मिलती हूँ फिर दूसरे वीडियो में। तब तक हैव फन, हैव फेथ, टेक केयर, बाय।